नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर 360 गुप्ता पर। आज की वीडियो में दोस्तों जो मैच मैं कवर करूंगा वो मैच है दोस्तों ECS T10 कारटाक्सो का पांचवा मुकाबला जो यहां पर खेला जाएगा टीम फाइटर सीसी वर्सेस टीम वाइल्ड पैंथर्स के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों टीम्स के स्टैट्स बताऊंगा, साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि दोनों टीम्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन सा रहेगा। उसके अलावा आपको ये भी पता चलेगा कि दोनों टीम के लिए ओपन कौन से प्लेयर्स करेंगे, कौन से प्लेयर्स दोनों टीम की ओर से डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराने आएंगे, कौन सा प्लेयर आपके लिए जैकपॉट रहेगा, किस प्लेयर को आप लोग अपनी हेड टू हेड टीम में एज अ कैप्टन या वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हैं और किस प्लेयर को आप लोग अपनी ग्रांड लीग की टीम में एज अ जैकपॉट प्लेयर के तौर पर पिक कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारियां आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली हैं और अगर आप लोग इस मुकाबले में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, विन करना चाहते हो, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। बाकी दोस्तों जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी जहाँ पर करेंटली 4300 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और रोजाना यहाँ पर वो दी गई मेरी 100% विनिंग टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग भी चाहते हैं कि आपको भी 100% विनिंग टीम मिले बिल्कुल फ्री में हर एक मैच की, तो उसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना काफ़ी ज़्यादा आसान है, आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, जो सबसे पहले नंबर पर कमेंट है, जो सबसे टॉप पर कमेंट है, जो कमेंट पिन किया गया है वहाँ पर मैंने अपने चैनल का लिंक दिया है, जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे और बाकी मेंबर्स की तरह फ्री टीम का प्रॉफिट उठा पाएंगे। अगर लिंक वर्क ना करे तो कमेंट में आपको चैनल का नेम भी मिल जाएगा जिसको सर्च कर भी आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये काम दोस्तों ज़रूर कर लेना क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। बाकी अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे, कुछ सीखने को मिले, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार हमारे चैनल की वीडियोस को वॉच कर रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी को आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट और आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री, तो ज़रूर दोस्तों ये काम भी कर लेना। तो बात करें सबसे पहले दोनों टीम्स के प्रीव्यू की, तो दोनों टीम्स इस टूर्नामेंट में पहली बार एक दूसरे के सामने आने वाले हैं और दोनों टीम्स अपना डेब्यू करने वाले हैं इस टूर्नामेंट में। वेदर रिपोर्ट की मैं बात करूं तो आज थोड़े बहुत रेन के चांसेस हैं 32%, लेकिन टेटन में इतना रेन चांसेस कोई भी ज़्यादा मैटर नहीं करता है, तो आपको एक प्रॉपर मैच देखने को मिलेगा। विकेट की मैं बात करूं तो आपने कल के जो मैचेस देखे होंगे वो आपको पता चल गया होगा कि जो विकेट है वो काफ़ी ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली है, उसके अलावा यहाँ पर स्पिनर्स को भी काफ़ी अच्छी खासी मदद देखने को मिल रही है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पे देखिए दोस्तों 100 रनों का है। चेसिंग यहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्ट हो चुकी है, कल आपने जो भी मैचेस देखे होंगे आपने देखा होगा कि चेस करने वाली टीम ज़्यादा आसानी से बैटिंग नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए कल जो इनका परसेंटेज था 80 से वो 40% रह गया, यानी 10 में से 4 बार वही टीम जीतेगी जो यहाँ पे चेस करेगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको फाइटर सीसी के प्लेइंग 11 और उनके स्टैट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो सबसे पहला नाम दोस्तों गगनदीप सिंह का आएगा जो कि एक राइट एंड बैट्समैन है और राइट एंड फास्ट बॉलिंग कराते हैं। ECS में इन्होंने 4 मैचेस में 30 रन बनाए हैं और 1 ओवर की बॉलिंग की है और इनको विकेट नहीं मिला है। T20 में 7 मैचेस में 188 रन और 5 विकेट हैं, तो T20 का रिकॉर्ड इनका काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बलविंदर सिंह की मैं बात करूँ तो ये भी एक राइट एंड बैट्समैन है, राइट एंड मीडियम बॉलिंग कराते हैं। ECS में 6 मैचेस में 75 रन इनके नाम है, विकेट एक भी नहीं है। ACN में 78 रन इनके नाम है और 4 विकेट हैं इनके नाम, 6 ओवर की बॉलिंग, यानी हर एक मैच में बॉलिंग इन्होंने कराई है। राणा जोहेब सर्वर की मैं बात करूं काफ़ी अच्छा गेंदबाज है, राइट एंड बैटिंग करेगा, राइट एंड फास्ट बॉलिंग कराता है। 7 मैचेस में 102 रन है और 5 विकेट है, हर एक मैच में 2 ओवर की बॉलिंग है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। मनदीप सिंह जो कि इनके कैप्टन है, ये भी एक राइट एंड बैट्समैन है, राइट एंड मीडियम बॉलिंग कराते हैं। ECS में 6 मैचेस में 43 रन इनके नाम है और 1 ओवर की बॉलिंग करके 0 विकेट है। T20 में देखा जाए तो 291 रन है और 15 विकेट हैं। इमरान राव की मैं बात करूँ राइट एंड बैटिंग करेंगे, राइट एंड मीडियम बॉलिंग कराएंगे। ECS में 7 मैचेस में 132 रन है, 4 विकेट हैं, तो बॉलिंग तो काफ़ी ज़्यादा कराई हुई है पर विकेट नहीं मिले हैं। गुरलाल सिंह की मैं बात करूं जो कि एक विकेट कीपर हैं, T20 में 11 मैचेस में 180 रन इनके नाम है, राइट हैंड बैटिंग करेंगे, राइट हैंड मीडियम बॉलिंग कराएंगे। उसके अलावा दोस्तों यहां पर मैं बात करूं रवि की, एक राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म स्पिन बॉलिंग कराता है। ECS में 2 मैचेस में 12 रन है, 3 ओवर की बॉलिंग है, 2 विकेट हैं। T20 में भी देखा जाए तो 12 मैचेस में 252 रन है और 6 विकेट हैं। परविंदर सिंह की मैं बात करूं लेफ्ट हैंड बैटिंग करेंगे, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग कराएंगे। ECS में 6 मैचेस में इनके नाम 7 विकेट हैं और T20 में 10 मैचेस में इनके नाम 11 विकेट हैं, तो ये प्लेयर काफ़ी अच्छा परविंदर सिंह रहने वाला है, आपको विकेट निकाल कर देने वाला है। अर्पित कुमार यादव की मैं बात करूं जो कि एक राइट हैंड बैट्समैन है और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग कराएंगे। ECS में 3 मैचेस में इनके नाम 0 विकेट हैं और T20 में इनके नाम 9 मैचेस में 9 विकेट हैं। महमूद शान की मैं बात करूं राइट हैंड बैटिंग करेगा, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग कराएगा। ECS में 2 मैचेस में 1 विकेट इनके नाम है
लास्ट प्लेयर जो यहाँ पर रहेंगे अमरजीत सिंह, इनके नाम दोस्तों ECS में एक मैच में 0 रन है और T20 में 12 मैचेस में 10 विकेट है, तो यानी बॉलर काफ़ी ज़्यादा शानदार है। तो आप लोग अगर लेना चाहें तो इनकी स्टैट्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि जब आप टीम क्रिएट करें वहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से आप लोग प्लेयर्स को पिक कर सकें उनके स्टैट्स के आधार पर। तो आप लोग इस टीम का इस स्टैट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ उनकी ऑफिशियल साइट पे क्या बताया गया। तो ऑफिशियल साइट पे बताया गया है कि इस टीम को लीड करेंगे मनदीप सिंह, कैप्टन है मनदीप सिंह, विकेट कीपर होंगे गुरलाल सिंह, इनकी ओर से ओपन करने आएंगे गगनदीप सिंह और बलविंदर सिंह, नंबर 3 पे आएंगे राणा सरवर और नंबर 4 पे आएंगे मनदीप सिंह। इनके जो बॉलर्स रहेंगे वो होंगे राणा सरवर और यहाँ पे मनदीप सिंह पावर प्ले के अंदर, और स्पिन ऑप्शन में इनके पास रवि रवि की पिक रहने वाली है। मनदीप माल की मैं बात करूँ, वाइस कैप्टन है अपनी टीम की, हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, काफ़ी अच्छे सिक्स लगा सकते हैं, उसके अलावा मिडल ऑर्डर के अंदर काफ़ी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। बलविंदर सिंह की मैं बात करूँ तो टेक्निकल साउंड बैट्समैन है, उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है, 153 रन और 4 विकेट इन्होंने निकाले थे ACN के अपने मैचेस में। राणा सरवर की मैं बात करूं तो ये भी काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं, ACS में इनके नाम 102 रन है और 5 विकेट है मात्र 7 मुकाबलों में जो लीग हुई थी कटाक्सो की 2020 में। अब मैं बात करता हूं वाइल्ड पैंथर्स की, तो इनकी ओर से आपको अजहर अंदानी खेलते हुए नजर आएंगे जो कि एक राइट हैंड बैट्समैन है, ECS में 7 मैचेस में 103 रन है और ACN में 14 मैचेस में 238 रन है, यानी बैट्समैन है काफ़ी अच्छा है। वकस नाजिर की मैं बात करूं, राइट हैंड बैटिंग करते हैं, राइट हैंड मीडियम बॉलिंग कराते हैं, 7 मैचेस में 201 रन है, 2 विकेट हैं। MD सिराज निप्पो की मैं बात करूं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करा सकते हैं, ECS में भी रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा, 13 मैचेस में 72 रन है, 12 विकेट हैं और ECN में 14 मैचेस में 172 रन है और 19 विकेट हैं। तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होगा कैप्टन एंड वाइस कैप्टन का, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट से आपको अच्छे खासे पॉइंट दे रहा है। उसके अलावा किशन सुधर की मैं बात करूं जो कि एक विकेट कीपर हैं, राइट हैंड बैटिंग करेंगे, राइट हैंड मीडियम बॉलिंग कराएंगे, T20 में 13 मैचेस में 243 रन इनके नाम है और 3 विकेट हैं 18 ओवर की बॉलिंग करके। दीक्षित पटेल की मैं बात करूं, राइट हैंड बैट्समैन है, राइट हैंड मीडियम बॉलिंग कराते हैं, T20 में 13 मैचेस में 169 रन इनके नाम है, 13 की एवरेज है और 13 विकेट हैं। धवल पटेल की मैं बात करूं, राइट हैंड बैट्समैन है, राइट हैंड फास्ट बॉलिंग कराता है, T20 में 12 मैचेस में 107 रन है 13 की एवरेज के साथ। मिथुन पटेल काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं, राइट हैंड बैटिंग करेंगे, राइट हैंड फास्ट बॉलिंग कराएंगे, 11 मैचेस में 4 विकेट हैं और 21 रन है। पार्थ पटेल की मैं बात करूं तो T20 में 2 मैचेस में 2 रन है, 4 विकेट हैं। अक्षर पटेल की मैं बात करूं जो कि कैप्टन है, राइट हैंड बैटिंग करेंगे, राइट हैंड स्पिन बॉलिंग कराएंगे, T20 में 12 मैचेस में 5 रन इनके नाम है, 1 ओवर की बॉलिंग है पर विकेट लेस रहेंगे। धर्म पटेल की मैं बात करूं, राइट हैंड बैटिंग करेंगे, राइट आर्म स्पिन बॉलिंग कराएंगे, T20 में 7 मैचेस में 153 रन इनके नाम है और 10 विकेट है। हार्दिक पटेल की बात की जाए तो T20 में इन्होंने 10 मैच खेले जहां पर 70 रन इनके नाम है, उसके अलावा 7 विकेट हैं। तो यहां पे जो वाइल्ड पैंथर्स के टीम के कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी तक T10 में मैचेस ही नहीं खेले हैं, तो इनकी टीम शायद आज का मुकाबला हारती हुई आपको दिख सकती है। बाकी कोई भी प्लेयर कैसा परफॉर्म करेगा तो वो मैच के दौरान ही पता चलेगा। तो आप लोग वाइल्ड पैंथर्स के प्लेयर्स के भी स्टैट्स का स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप जब टीम क्रिएट करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। तो बात करते हैं उनकी ऑफिशियल साइट पे क्या बताया गया। तो ऑफिशियल साइट पे बताया गया कि इस टीम के कैप्टन अक्षर पटेल होंगे, विकेट कीपर किशन सुधर करेंगे, इनकी ओर से अजहर अंदानी ओपन करने आएंगे वकस नाजिर के साथ, नंबर 3 पे सिराज निप्पो आएंगे और नंबर 4 पे किशन सुधर आएंगे, इनकी ओर से बॉलिंग कराएंगे पावर प्ले के अंदर मिथुल पटेल और पार्थ पटेल। उनके जो स्पिनर्स हैं काफ़ी ज़्यादा स्पिनर्स इनकी टीम में, MD सिराज निप्पो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अक्षर पटेल, उसके अलावा धर्म पटेल और हार्दिक पटेल आपको इनकी ओर से स्पिन बॉलिंग कराते हुए नजर आ जाएंगे। बाकी मैं बात करूं इनकी टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की, तो पहला नाम आएगा अजहर अंदानी का, बिग हार्ड हिटर ओपनर है, 341 रन है इसके 21 ACN मैचेस में, इसमें 250 प्लस स्कोर भी है। सिराज निप्पो की मैं बात करूँ, क्लासी लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, 244 रन है इसके 21 ACN मैचेस में, उसके अलावा काफ़ी अच्छी लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग कराता है। बाकी अगर देखे जाए तो लास्ट सीजन ने काफी अच्छा बॉलिंग कराया था, 3 विकेट देके 3 रन थे इसके 2 ओवर में। मिथुल पटेल की मैं बात करूं तो ये भी काफी अच्छे बॉलर हैं, आपको स्विंग कराते हुए नजर आ जाएंगे शुरुआत में पावर प्ले के अंदर। और किशन सुधर की मैं बात करूं तो ये भी काफी ज्यादा टैलेंटेड विकेट कीपर बैट्समैन रहने वाला है, ये आपको मिडिल ऑर्डर के अंदर अपनी टीम के लिए फिनिशर की भूमिका निभाता हुआ नजर आ जाएगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पे दोनों टीम्स का स्टैट्स के बारे में आपको मैंने सारी जानकारियां दे दी हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी दोनों टीम्स की। और आपको ये जानकारियां अगर काफ़ी अच्छी लगी हो तो आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एक लाइक करने में एक सेकंड से भी कम समय लगेगा, तो इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार मेरे चैनल की वीडियोस को वॉच कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आप सभी को आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो ज़रूर दोस्तों एक काम कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद, या दोस्तों जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी
जिस टीम के साथ मैं खुद कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूंगा, वो टीम दोस्तों मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहां पर करेंटली 4300 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और रोजाना यहां पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको जो लिंक है वो कमेंट में मिल जाएगी। तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में चले जाना, जो सबसे पहले नंबर पर कमेंट हो, जो सबसे टॉप पर कमेंट हो, जो कमेंट पिन किया गया हो, वो मेरे चैनल का लिंक होगा, जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे और बाकी मेंबर्स की तरह फ्री टीम का प्रॉफिट उठा पाएंगे। अगर लिंक वर्क ना करे तो कमेंट में आपको चैनल का नेम भी मिल जाएगा, जिसको सर्च कर भी आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये काम दोस्तों जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो चलिए चलते हैं ड्रीम इलेवन की ओर, जहाँ पर मैं आपको कमाल की टीम्स क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर टीम क्रिएट करने से पहले आपको दो बातों का ख्याल रखना है। पहली बात दोस्तों कि ये दोनों टीम्स न्यू हैं और डेब्यू करने वाली हैं, तो इसलिए आप इस मैच में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करिएगा। फोकस आपको करना है ग्रैंड लीग के ऊपर। आपको जो टीम क्रिएट करनी है वो सिलेक्शन के बेसिस पे नहीं करनी है, आपको स्टैट्स के बेसिस के ऊपर टीम क्रिएट यहाँ पे करनी है। तो बात की जाए विकेट की बस सेक्शन की, तो यहाँ पर के सूतर की पिक है, वी सिंह की पिक है, एस पटेल की पिक है और यहाँ पे जी सिंह की पिक है। जी सिंह की अगर मैं प्रॉपर नेम बताऊँ तो उनका जो प्रॉपर नेम है वो गुरलाल सिंह है, उसके अलावा किशन सूदा। तो ये दो विकेट कीपर हैं जो आज के मैच में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। इन दोनों में किसी एक को आपको पिक करना है। दोनों अपनी टीम के लिए मिडल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे। तो यहाँ पर किशन सूदर को काफ़ी लोगों ने पिक किया है, तो आप लोग भी इनके साथ जा सकते हैं, क्योंकि दोनों का बैटिंग ऑर्डर सेम है। उसके अलावा दो रिकॉर्ड अगर देखा जाए, मैं आपको दिखाऊं कि किसका रिकॉर्ड बढ़िया है, तो आप देखिएगा कि जो गुरलाल है उन्होंने 11 मैचेस में 180 रन बनाए हैं, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किशन की तो इन्होंने देखिए 13 मैचेस में 243 रन बनाए, साथ में बॉलिंग भी की है। तो ये आपको बॉलिंग भी डालते हुए नजर आ जाएंगे। तो इसी कारण से मैं अपनी टीम में के सूतर को पिक करने वाला हूँ, क्योंकि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों करा सकते हैं। बैटिंग सेक्शन से देखिए यहाँ पर पहला नाम आपके सामने आएगा जोहेब सरवर का, शायद ना खेलें इस मुकाबले में, तो मैं इनको पिक कर नहीं रहा हूँ। मैं इनकी जगह पर अंदानी को पिक करूँगा जो कि ओपन करेंगे। दूसरा नाम आएगा यहाँ पर रवि का, आप पिक कर सकते हैं, स्पिन बॉलिंग कराता हुआ आपको नजर आ जाएगा। तीसरा नाम यहाँ पर दोस्तों आएगा आपके लिए दक्ष पटेल का, आप ट्राई कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखे जाए तो काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं जो यहाँ पर खेलने वाले नहीं हैं। वकस नाजिर को अगर आप पिक करना चाहें तो अपनी टीम में वकस नाजिर को पिक कर सकते हैं, जो कि आपको ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर मैं वकस नाजिर को पिक करूँगा, 5% सिलेक्शन है मात्र इनका, तो मैं पिक करने वाला हूँ। उसके अलावा यहाँ पर आते हैं धवल पटेल, जो कि आपको बॉलिंग कराते हुए नजर आ जाएंगे, स्पिन बॉलिंग कराते हुए यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। ये अगर आप ट्राई करना चाहें इनको कर सकते हैं। इनका रिकॉर्ड भी मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, धवल पटेल का 12 मैचेस में 7 रन है इनके नाम। तो यहां पर बॉलिंग तो भले ना कराएं पर प्लेयर काफ़ी अच्छा है। आप उसके अलावा यहां पर दक्षेश पटेल की पिक है, तो यहां पर मनदीप सिंह की पिक है, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। तो टोटल यहां पर जो मैं 3 बैट्समैन थे वो लेने वाला हूं। उसके अलावा आप चाहें तो यहां पर परविंदर सिंह को पिक कर सकते हैं, जो कि अपनी टीम के लिए काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कराएंगे। तो परविंदर सिंह का रिकॉर्ड भी मैं आपको दिखा देता हूं, तो ये भी प्लेयर काफ़ी अच्छा है यहाँ पे दोस्तों रहने वाला है परविंदर सिंह। देख सकते हैं 6 मैचेस में 36 रन है, 7 विकेट हैं, T20 में 11 विकेट हैं। तो यहाँ पर जो मेरे 3 मेन बैट्समैन रहेंगे वो यही यहाँ पर रहने वाले हैं। और आप लोग अगर पिक करना चाहें तो रवि को भी पिक कर सकते हैं, आपको बता दिया स्पिन बॉलिंग कराएगा अपनी टीम के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन की, तो इमाल को मैं पिक करूँगा। उसके अलावा यहाँ पर पिक आती है बलविंदर सिंह, इनको मैं पिक करूँगा। निप्पो को भी आप पिक कर लीजिए, बाकी पिक यहाँ पे गगनदीप सिंह की जो कि ओपन करेंगे, मैं यहाँ पर इनको भी पिक कर लेता हूँ। उसके अलावा काफ़ी अच्छे ऑप्शन से यहाँ पर हमसे मिस हो जाएंगे। इमरान राव की एक अच्छी पिक है, ध्रुव धर्म पटेल की एक अच्छी पिक है, तो ये दोनों प्लेयर्स अगर आप पिक करना चाहें इन तीनों को तो ज़रूर पिक करिएगा अपनी ग्रैंड लीग की टीम में। बॉलिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर अमरजीत जो भी नाम है इनका, काफ़ी अच्छे प्लेयर है, बॉलिंग कराएंगे आपको। उसके अलावा दूसरा नाम है यहाँ पर हार्दिक पटेल का, ये भी अच्छा प्लेयर है। तीसरा पिक आपके लिए यहाँ पर आता है अर्पित कुमार का, चौथी पिक है आपके लिए यहाँ पे मितुल पटेल की, और उसके अलावा पिक है यहाँ पर आपके लिए पार्थ पटेल की। तो यहाँ पर मैं एच पटेल की जगह पर मितुल पटेल और पी पटेल के साथ जाना चाहता हूँ, क्योंकि इनका आप रिकॉर्ड यहाँ पर देखिए, मितुल पटेल का और पी पटेल का इनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है यहाँ पर मुझे लगा है, तो उसी कारण से यहाँ पर मैं इनके साथ जाना चाहूँगा, पार्थ पटेल और मितुल पटेल। बाकी हार्दिक पटेल का भी रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, तो आप चाहें तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ए सिंह की जगह पर एच पटेल को पिक कर सकते हैं। 3 बॉलर जो हैं वो आप लोग वाइड पैंथर्स के पिक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ महमूद शान की, तो आप इनको ट्राई करना चाहें, इनको भी पिक कर सकते हैं। महमूद शान का भी आप लोग रिकॉर्ड यहाँ पर एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है फर्स्ट मैच में, तो कुछ खास नहीं है, 2 मैचेस में 1 ही विकेट है इनके नाम और 2 ओवर की बॉलिंग है। तो यहाँ पर देखा जाए मेरी दोस्तों जो टीम है वो क्रिएट हो चुकी है। मैंने अपनी इस टीम में 4 प्लेयर यहाँ पर रखे हैं फाइटर्स के, 7 प्लेयर रखे हैं वाइल्ड पैंथर्स के। कॉम्बिनेशन की मैं बात करूँ तो मैंने अपनी टीम में 1 विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, 4 ऑलराउंडर्स, 3 बॉलर्स का कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पर तैयार किया है। टीम प्रीव्यू की मैं बात करूं तो मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से के सूतर को रखा है, जो कि विकेट कीपिंग करते हैं तो कर लेंगे, अदरवाइज मिडल ऑर्डर के अंदर बैटिंग और 1-2 ओवर की पार्ट टाइम बॉलिंग भी करवा सकते हैं।
बैटिंग सेक्शन से परविंदर सिंह को लिया है, बॉलिंग कराएगा अपनी टीम के लिए। अंदानी को लिए आपको ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे वकस नज़ीर के साथ। उसके अलावा यहाँ पर मॉल को मैंने पिक किया है, मिडिल ऑर्डर के बैटिंग और बॉलिंग करेंगे। बलविंदर सिंह बैटिंग बॉलिंग दोनों कराएंगे, जी सिंह बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। उसके अलावा एम सिराज निप्पो को लिया है, नंबर तीन पर आके बल्लेबाजी करेगा, उसके अलावा काफ़ी शानदार बॉलिंग कराता है। बॉलिंग सेक्शन से मैंने यहाँ पर हार्दिक पटेल को लिया है, मितुल पटेल को लिया, पार्थ पटेल को लिया। ये तीनों प्लेयर अपनी टीम के लिए दो दो ओवर की बॉलिंग कराते हुए नजर आ जाएंगे और तीनों प्लेयर का बॉलिंग रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा शानदार है, तो ये आपको विकेट निकालते हुए भी नजर आ सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ अपनी इस टीम में मैं किस प्लेयर को कैप्टनसी और किस प्लेयर को वाइस कैप्टनसी दूँ, तो कैप्टनसी यहाँ पर मैं एम सिराज निप्पो को दूंगा, वाइस कैप्टनसी यहाँ पर मैं बलविंदर सिंह को दूंगा, क्योंकि रीज़न सिंपल सा, ओपन करेंगे और बॉलिंग कराएंगे। इनके अलावा और कोई पिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकूँ। तो मैं दोस्तों अपनी टीम को सेव कर देता हूँ, आप लोग हमारी टीम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका प्रीव्यू ले लीजिए और जहाँ प्रीव्यू आप लोग प्ले कर रहे हो वहाँ पर जाकर आप लोग हमारे इस टीम को यूज़ कर सकते हो। तो आप चाहें तो मेरी इसी सेम टीम के साथ हेड टू हेड कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो और इसी सेम टीम के साथ ग्रां लीग के कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आप लोग हमारे इस टीम का स्क्रीनशॉट, इसका प्रीव्यू जरूर ले लें और जहाँ पर भी आप लोग प्ले करें वहाँ पर जाकर इस टीम को सेव कर लें, ताकि लास्ट मिनट में अगर मैं कोई भी चेंजेस करता हूँ अपनी टीम में तो आपको अपनी टीम को अपडेट या फिर चेंज करने में कोई भी परेशानी ना आए। बाकी दोस्तों अब मैं आपको जीएल के कुछ प्लेयर्स के बारे में बता देता हूं। तो देखिए जीएल में आप लोग किन किन को ट्राई कर सकते हैं, तो देखिए यहां पर जो पिक निकल के आती है दीक्षित पटेल की, ये भी काफ़ी अच्छा बॉलर है, अगर खेलता है तो जीएल में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। इनके अलावा दोस्तों यहाँ पर डी पटेल, ये भी काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। इमरान राव को आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन जीएल के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हैं। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर जी सिंह को भी अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। तो ये जेल के कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिनको आप लोग अपनी टीम में ज़रूर ट्राई करिएगा। बाकी मेरी हेड टू हेड टीम ये दोस्तों यही रहने वाली है। बाकी दोस्तों लाइनअप या टॉस आने के बाद अगर मेरी टीम में कोई भी प्लेयर नहीं खेलेगा या जो भी मेरी फाइनल टीम होगी या टॉस के बाद मैं अपने कैप्टन या वाइस कैप्टन में अगर कोई भी चेंजेस करूंगा, वो टीम अगर आपको चाहिए या आपको मेरी 100% विनिंग टीम चाहिए जिस टीम के साथ मैं खुद इन्वेस्टमेंट करता हूं, वो टीम अगर आप लोग चाहते हैं आपको मिले, तो उसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना काफ़ी ज़्यादा आसान है। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में जाना है। जब आप लोग कमेंट सेक्शन में जाएंगे जो सबसे पहले नंबर पर कमेंट होगा, जो सबसे टॉप पर कमेंट होगा, जो कमेंट पिन किया गया होगा, वो मेरे चैनल का लिंक होगा, जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको 4500 से ज़्यादा मेंबर्स देखने को मिलेंगे और आपको वो जाकर चैनल ज्वाइन कर लेना है और आप लोग भी मेरी 4500 फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। तो ये काम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो ज़रूर कर लेना। अगर आप लिंक वर्क ना करे तो आपको कमेंट के अंदर ही चैनल का नेम भी मिल जाएगा, जिसको आप लोग सर्च करके भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये काम दोस्तों ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों ये काम आपके लिए ज़रूर इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, जो भी जानकारियाँ मैंने आपको दी हों वो भी आपको काफ़ी पसंद आई हों, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको एक लाइक करने में 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा, पर आपका एक लाइक मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार हमारे चैनल की वीडियोज़ को वॉच कर रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि आप सभी को आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो ज़रूर दोस्तों ये काम भी कर लीजिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों आप सभी लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जितने भी फैंटसी मैच हो, जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करें, ऑलवेज विन करते रहें हमारे टीम मैनेजमेंट से, हमारे टीम कॉम्बिनेशन से। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में जो घंटा है उसको जरूर दबा देना और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है और आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो मिलेंगे दोस्तों आप सभी लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।